और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सुन लीजिए। दिल्ली से सीएचए का दल जयपुर लौट आया है। देखिए, सोनिया गांधी के चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा कांग्रेस नेता अशोक तंवर के माध्यम से से एक मुलाकात हुई चीफ सेक्रेटरी पीपी माधवन से। सुखजीत अटवाल की हुई मुलाकात। पीपी माधवन ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने ये तो कहा कि मांगों पर जो रिएक्शन मिला है वो तो सकारात्मक है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमारी मांग पूरी होगी तभी हम संतुष्ट होंगे। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये सीएचए ने साफ कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आंदोलन लगातार जारी है और ये लोग जो है वो अलग अलग नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज जयपुर में जो निर्दलीय विधायक है बलजीत यादव, वो जो है शहीद स्मारक पर पहुंचे। इसके अलावा जो सीताराम लामा है युवा बोर्ड के अध्यक्ष, वो भी जो है वो शहीद स्मारक पर पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली में भी इनकी धीरज गुर्जर और कांग्रेस के जो नेता हैं तारिक अनवर, उनसे भी मुलाकात हुई है। उनको भी अपनी समस्याओं से जो है वो इन्होंने अवगत कराया है, लेकिन आज सरकार के किसी प्रतिनिधि से इनकी वार्ता नहीं हुई है।